So, इस वीडियो में हम जानेंगे एल आई सी असिस्टेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू की रिक्रूटमेंट के लिए सिलेबस क्या रहेगा तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न कैसी होती है देखो दो एग्जाम होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन अगर आप देख पाओगे तो प्रिंट सेंडिंग में तीन सब्जेक्ट हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज या तो उसके ऑब्लिक में आपको हिंदी लैंग्वेज भी मिल जाता है यानी आप या तो इंग्लिश ऑप्ट करें या तो हिंदी ऑप्ट करें और यहाँ पर लिखा है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स इन लैंग्वेज सेक्शन विल नॉट बी कंडक्ट काउंटेड इन फॉर रैंकिंग यानी आपका जो चयन होगा यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो केवल दूसरे और तीसरे सब्जेक्ट के बेस्ड ऑन ही बनेगा आपको इंग्लिश और हिंदी में केवल मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर लो तो भी आपके लिए इनफ है आपको मेन स्कोर कहा लाना है न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी में यानी ये पैंतीस और पैंतीस सेवनटी मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा क्लियर है इंग्लिश लैंग्वेज में थर्टी क्वेश्चन है थर्टी मार्क्स है और आपको बीस मिनट का समय मिलता है वही पैटर्न है न्यूमेरिकल uh, एबिलिटी में पैंतीस क्वेश्चन 35 मार्क और बीस मिनट का समय और रीजनिंग एबिलिटी में पैंतीस क्वेश्चन पैंतीस मार्क और बीस मिनट का समय यहां पे सेक्शनल कट ऑफ प्री डिसाइड होता है यानी इंग्लिश में अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम ग्यारह मार्क लाना है और बाकी सारी कैटेगरी वालों को बारह मार्क लाना है सिमिलरली न्यूमेरिक में तेरह लाना है बाकी सारी कैटेगरी को चौदह लाना है सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी में तेरह लाना है बाकी सारी कैटेगरी को चौदह लाना है तो ये मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये डिसाइड नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका ओवरऑल मेरिट पर ही डिसाइड होगा परंतु यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मिनिमम इतने स्कोर तो करनी ही है और उसके अलावा आपको overall merit में ही भी आना है मुझे उम्मीद है कि आपको ये clear हो गया होगा मैं जस्ट यहां पे syllabus के लिए ये दिखाना चाहता हूं कि कितने आते हैं इंग्लिश हिंदी मैथ्स और रीजनिंग ठीक है अगर एग्जामिनेशन की पैटर्न देखेंगे तो जनरल एक्स्ट्रा एड होता है जनरल इंग्लिश ऑलरेडी यहां पे था इंग्लिश लैंग्वेज तो यहां पे भी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहां पे है और यहाँ पे भी था न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर के भी दो चार सवाल आ जाते हैं और हिंदी लैंग्वेज भी आपको सेपरेटली पूछा जाएगा अब प्रीलिम्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में था, दोनों आइदर और में था परंतु यहाँ पे आपको इंग्लिश भी चॉइस करना है और एज वेल एज हिंदी भी चॉइस करना है तो ये चीज़ ध्यान में रखना अगर आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो सभी सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर्टी 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 है मेन एग्जामिनेशन में तो टोटल कुल मिला के दो क्वेश्चन हो जाते हैं दो मार्क हो जाते हैं सेक्शन वाइज टाइम भी अलॉटेड है जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए तीस मिनट दिया है जनरल इंग्लिश के लिए तीस मिनट दिया है क्वाटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तीस मिनट दिया है रीजनिंग एबिलिटी के लिए थर्टी मिनट्स दिया है और हिंदी लैंग्वेज के लिए थर्टी मिनट्स दिया है कुल मिलाकर आपका टाइम बन जाता है दो घंटा मिनट का समय और सेक्शनल कटअप भी मेंशन है अगर आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं ठीक है चलिए यह हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है आईबीपी गुरु जी अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लो और यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑनलाइन और आपके सभी आंसर तुरंत देता हूँ अब बात करें सिलेबस की वन बाय वन सब्जेक्ट देख लें सबसे पहला रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी में आपको कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस टेस्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग अल्फाबेट नंबर अल्फा न्यूमेरिक वर्ड सी इज ऐर टेस्ट सिलॉग इक्वालिटी पजल अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट ये वेरी आई चैप्टर होता है क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं ट्वेंटी से ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं ठीक है ब्लड रिलेशन वर्ड फॉर्मेशन इनपुट आउटपुट आपको मेन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है प्रिलिम्स में कम प्रेफरेबल है बट कहीं पे लिखा नहीं गया कि प्रिलिम्स में नहीं आएगा तो एक बार बेसिक कंसेप्ट देख के तो जाइएगा ही सिमिलरली फॉर लॉजिकल रीजनिंग ये भी मेन्स में ही पूछा जाता है प्रिलिम्स में नहीं पूछा जाता तो ये चीज़ ध्यान में रखना डेटा सफिशियंसी कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसलिए प्रिपेयर करके ही जाना अगर आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न पैटर्नबेज पजल चाहिए तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पर पे पेज पजल गुरु जी करके भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको मैं डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल प्रोवाइड करता हूँ तो आपको ये पेज भी जरूर से फॉलो करना चाहिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की यानी एप्टीट्यूड यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन या अप्रोसीमेशन देखने को मिलेगा जनरली सिंप्लीफिकेशन आएगा क्योंकि असिस्टेंट लेवल के एग्जाम है अगर ऑफिसर लेवल के एग्जाम होती है तो अप्रोक्सिमेशन देखने को मिलता है उसके बाद नंबर सीरीज देखने को मिलता है क्वाडेटिक क्वेश्चन देखने को मिलता है डेटा इंटरप्रेशन होता है और ये एरथमेटिक चैप्टर्स जो आपको करने होते हैं इन सभी चैप्टर्स में से एक से दो मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर बेस्ड डी भी आजकल पूछी जा रही है तो ये चीज ध्यान रखना और एक चीज बता दू की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी सब्जेक्ट है मेन एग्जामिनेशन में, में सब्जेक्ट है तो सिलेबस तो सेम रहेगा जस्ट लेवल बदलता रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको लेवल जो होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा और मेन एग्जामिनेशन में आपको जो लेवल पूछा जाएगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा तो ये चीज ध्यान रखना मेंस के लिए सिलेबस डिफरेंट नहीं होगा सेम ही रहेगा सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मैथ्स में भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सिलेबस में कैसा पूछा जाएगा इजी टू मॉडरेट पूछा जाएगा और मेन एग्जामिनेशन में मॉडरेट टू डिफिकल्ट पूछा जाएगा अगर आपकी मैथ्स में स्पीड नहीं बढ़ रही है अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा वैदिक मैथ्स ट्रिक पे अपलोड की गई सारे ट्रिक्स को फॉलो करें आपकी मैथ्स में स्पीड इंप्रूव जरूर से होगी अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की इंग्लिश की तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीशन क्लोज टेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स एरर डिटेक्शन करेक्शन स्पेलिंग एरर मिस एंटोनियम इडियम एंड फ्रेजेस वर्ड यूजेज एंड सेंटेंस, फिलर, सेंटेंस, कनेक्टर, और काफीनियस और काफी काफी तरह तरह प्रिपेरेशन करने होते हैं आप कोई भी बुक परचेज करोगे उसमें सारे अपडेटेड टॉपिक मिल ही जाएंगे एज वेल एज रीजनिंग में कुछ अपडेटेड पैटर्न हुई है वो भी मिल जाएगी और मैथ्स में अपडेटेड पैटर्न है वो भी मिल जाएगी जस्ट आप जो भी बुक परचेज करें वो लेटेस्ट एडिशन परचेज करें ये चीज ध्यान रखें अब बात कर लेते हैं ये हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है एग्जाम इन्फो डॉट इन यहाँ पे आपको डेली लेटेस्ट मतलब जो भी रिक्रूटमेंट अनाउंस होती है उसका आ, सबसे पहले अलर्ट मिल जाता है तो ये पेज भी जरूर से फॉलो कर लें अब बात कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज के बारे में हिंदी लैंग्वेज में आपको गद्यांश यानी रीडिंग वाक्य में त्रुटि रिक्त स्थान वाक्य व्यवस्थीकरण वाक्य वर्गीकरण अनुच्छेद सामान्य विलोम पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विविध यानी मिसलेनियस और बाकी सारे रह गए टॉपिक्स भी यहाँ पे पूछे जाते हैं तो हिंदी लैंग्वेज कंपेयर टू इंग्लिश ऐसा लगता है कि काफ़ी आसान रहती है बट हिंदी लैंग्वेज आसान होने के होने से काफ़ी लोग उसमें अच्छा अच्छा स्कोर करते हैं तो उसका कटअप थोड़ा हाई रहता है और इंग्लिश का उसके कंपेयर में लो रहता है बट अकॉर्डिंग टू सेक्शनल कटअप तो उन्होंने पहले से डिसाइड करता है अगर आपको स्कोर करना है तो आपके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चॉइस कर सके हो अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो सब्जेक्ट हमें बोला गया था जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज इन लास्ट सिक्स टू एट मंथ पिछले छह से आठ महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं देखो जनरली ये क्या होता है जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको मेजोरिटी करंट अफेयर ही पूछे जाते हैं जैसे कि फोर्टी क्वेश्चन का आपको पूछा जाने वाला है तो फोर्टी में से थर्टी अराउंड क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के ही मिलेंगे इसलिए करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उसके अलावा आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछा जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस के एग्जाम है और स्टेटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पांच से सात और स्टेटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन दो से तीन इस प्रकार से आपको रेशियो जनरली होता है ठीक है ये फिक्स नहीं होता है ये जनरली होता है इट डिसाइड और अगर आपको करंट अफेयर सोर्स के लिए बेस्ट मटेरियल चाहिए देखो करंट कंप्यूटर का भी सिलेबस आपको दिखाने वाला हूं तो कहीं जाइएगा मत पहले मैं बात कर लेता हूं करंट अफेयर के सोर्स की तो अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं मैं प्रोवाइड करता तो हूं करंट अफेयर नोट्स हर महीने पूरे महीने के जंबल करंट अफेयर्स को एक ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज फॉरम में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं जिसकी मदद मतलब से आप आसानी से पढ़ सकते हो समझ सकते हो आसानी से याद रख सकते हो और रिविजन के लिए तो ये सबसे बेस्ट करंट अफेयर है अगर आप रिव्यू पढ़ना चाहते हो रिव्यू भी पढ़ सकते हो सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक बी आपका मटेरियल बहुत काम आया आई हैव बीन है पंजाब एंड सिंध बैंक थैंस अलॉट फे सर मेरे थर्टी वन क्वेश्चन सही हो गए बस दो गलत हो गए थैंक यू सो मच आपके नोट्स बहुत काम आए रियली अमेजिंग पी और भी कई सारे रिव्यूज है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो और अगर आपका मन करे कि आपको करंट अफेयर खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई आपको बता दूं कि ये एक महीने के करंट अफेयर की प्राइस है रुपीज फोर्टी नाइन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को विजिट करके आप करंट अफेयर खरीद सकते हो फिलहाल इस करंट अफेयर नोट्स पे एक डिस्काउंट चल रहा है अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज आईबीपी गुरु को फॉलो कर लेते हो टेलीग्राम चैनल आईबीएस गुरु जी टेलीग्राम पर जाना है सिंपली सर्च करना है आईबीपीएस गुरु और ज्वाइन हो जाओ और यूट्यूब चैनल आई बी गुरु को सब्सक्राइब कर लो ये तीनों टास्क करने के बाद आपको ये करंट अफेयर नोट्स एक महीने की रुपीज फोर्टी नाइन कीजिएगा केवल रुपीज में मिलेगी बट आपको ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको इसके लिए UPI पेमेंट करना रहेगा है आप डायरेक्ट ये काम भी कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसके एडमिन को पूछ सकते हो कि सर करंट अफेयर कैसे खरीदना है।, ये, ये ये है वो एक महीने की प्राइस है अगर आपको मल्टीपल महीने का खरीदना है तो आप मल्टीपल महीने के अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा देखो कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर एप्टीट्यूड में बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स नंबर सिस्टम नेटवर्किंग कम्युनिकेशन डेटाबेस बेसिक बेसिक्स ऑफ हैकिंग सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विस बेसिक ऑफ एम सर्विस कंप्यूटर एब्रीविएशन बेजिक्स ऑफ लॉजिक गेट्स और जो लेटेस्ट लेटेस्ट करंट अफेयर्स में कंप्यूटर का जो नॉलेज सोर्स चलता है वो जैसे कि आजकल ए ज़्यादा चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिप्टो ज़्यादा चल रहा है ठीक है तो हमें इस इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसके बेस्ड ऑन भी क्वेश्चन आ जाते हैं ये पेज को फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो करना वरना आप काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो चल रहा तो लाइक करो शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी एक सिलेबस पता चले कि एलआईसी असिस्टेंट के लिए सिलेबस क्या है और वो उनको भी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल जाए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो साथ में बेलाइन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत तो मिल जाए